गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर फिफ्टीन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी क्लास एट में पढ़े हो ठीक है so, सो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपैंड नहीं है सेम प्रोसेस है तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर ईजी लगेगा सो so, इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्चुअल में ये सो इट्स स्टार्ट द चैप्टर इन एवरी इन एवरी डे लाइफ we come across statements such as it will be probably rain today i doubt that he will pass the test most probably kavita will stand first in the annual class chances are high that the prices of diesel will go up there is a 50-50 chance of india winning a toss in today's match so ये जो सारी चीज़ें हैं प्रोबेबली डाउट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस चांस ये सब चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं ना मीन्स द प्रोबेबिलिटी मतलब इन चीज़ों की होने की संभावना है ठीक है हो भी सकता है मे बी और मे नॉट भी सो इस मोस्ट प्रोबेबली चांस एट्सेट्रा यूज स्टेटमेंट अबाउट इन द इन्वॉल्व एन एलिमेंट एंड अनसर्टेनिटी ठीक है तो ये चीज़ें यहाँ पर नॉलेज इसमें हम एक्टिविटीज पढ़ते हैं एक्टिविटी फर्स्ट क्या है टेक एनी कॉइन टॉस इट टेन टाइम्स एंड नोट डाउन द नंबर्स ऑफ अ टाइम्स अड एंड अ टेल कम अप रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग ठीक है हमारे हमें क्या बोला गया इसमें फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि कॉइन ले करके हमें उसको टेन टाइम्स थ्रो करना है ठीक है टेन टाइम्स थ्रो करने के बाद हमें उसे देखना है कि हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है राइट right? सो so, उसका फिर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है ठीक है हमने फ़र्स्ट टाइम जब थ्रो किया कॉइन को ऊपर साइड में अपो डायरेक्शन में जब वो नीचे आया तो हमें दिखा हैड आया नेक्स्ट टाइम किया तो टेल आया तो इस तरीके से हमें रिकॉर्ड मैंटेन करना है. उस रिकॉर्ड को मैंटेन करने के लिए हमें ये टेबल बताया देखिए नंबर्स ऑफ टाइम्स द कॉइन इज़ टॉस्ड ये कितना टोटल नंबर्स कितने टाइम्स टॉस किया गया हमने टेन टाइम्स नंबर ऑफ़ टाइम्स टाइम्स हेड कम अप कितने बार हेड आया और कितने बार टेल आई ये आपको यहाँ पे घर करना है ठीक है राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ़ द फॉलोइंग फ्रैक्शन तो जो भी आता है मान लो सपोज करो ये फाइव टाइम्स आपका हेड आया ठीक है तो नंबर्स ऑफ टाइम्स अ हेड कम अप क्या आया फाइव अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ टाइम द कॉइन इज़ टॉस मतलब हमने क्या किया टोटल नंबर है जो कितने बार टॉस किया गया टेन टाइम्स सेकेंड इज ऑल्सो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टेल कम अप सपोज करो हमने जब टेन टाइम्स थ्रो किया तो हमारा कितने टाइम्स आया सेवन टाइम्स आया टेल और टोटल नंबर ऑफ मतलब इसके अकॉर्डिंग है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टेल कम अप एंड टोटल नंबर्स ऑफ टाइम द कॉइन इज़ टॉस ठीक है तो दिस इज़ द आंसर नंबर ठीक है इसमें भी कुछ नहीं है उसमें था आपके पास वो कॉइन था आप टेन टाइम्स थ्रो किए थे यहाँ पे आपके पास डाइस है जो लूडो के पासा जो बोलते हैं वो डाइस है उसको ट्वेंटी टाइम्स थ्रो करना है और उसका रिकॉर्ड क्या मेंटेन करना है हमें कि कितने बार ये सारे नंबर्स आए हैं राइट ये जो नंबर्स हैं वन कितने बार आए टू कितने बार थ्री आए तो ये सारी चीज़ें जितने बार भी आएगा आप यहाँ पर फिल आउट करके लिखोगे एंड फॉर्मूले में पुट दिस इज ऑल्सो द फार्मूला ठीक है ये फार्मूला होता है फोर्थ एक्टिविटी क्या है अब वहाँ पे हमने एक कॉइन टॉस किया था नाउ कम कम विथ टू कॉइन टॉस और वो भी साइमल्टेनियसली हमने टॉस किया ठीक है जब कॉइन दो कॉइन को साथ में रख करके टॉस किया ऊपर ऊपर थ्रो किया अपर डायरेक्शन में तो हमारे क्या आया एक मान लो हेड आया दूसरा आया टेल आया ठीक है तो इसको हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद उसको फॉर्मूले में पुट करना है देन यू विल गेट द आंसर राइट सो आई होप ये इतना टफ नहीं है और दिस इज द फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी चांसेस ये नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन एंड टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल जो भी इवेंट हैपन मतलब जो हमने ट्रॉस किया तो कितने बार क्या चीज़ आ रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने बार ट्रायल किए हैं वो हम यहाँ लिखेंगे राइट एग्जाम्पल देखिए एक ए कॉइन इज़ टॉस्ड थाउजेंड टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी थाउजेंड टाइम्स हमने कॉइन को टॉस किया कौन सी फ्रिक्वेंसी में हेड आया आपका में पुट करके सोल्यूशन निकालना है सिंस द कॉइन इज टॉस थाउजेंड टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इज थाउजेंड लेट लेटस्ट कॉल द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑफ अ गेटिंग टेल एज ई एन एफ रिस्पेक्टिवलीन द नंबर ऑफ टाइम ई हैपन दैट इज नंबर ऑफ टाइम इज फोर फिफ्टी फाइव द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसिस कितना है नंबर ऑफ़ हेड कितना है आपका फोर फिफ्टी फाइव एंड टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है आपके थाउजेंड तो आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे फोर फिफ्टी फाइव अपॉन थाउजेंड इज दिस नंबर सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गेटिंग अ टेल सेम हमें नंबर्स ऑफ टेल लिखना है टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल लिखना है आंसर इज़ दिस ठीक है इन दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो है ये लिखा है नोट आउन द एग्जाम्पल दैट पी ई प्लस पी एफ इज इक्वल टू दिस वन आंसर इज वन ई एन एफ आर द ओनली टू पॉसिबल आउटकम ऑफ ईस्ट्रायल मतलब एक ही पॉसिबिलिटी कम हुआ मतलब आया एक ट्रायल में ठीक है तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर टू पे चल एग्जाम्पल नंबर टू पे चलते हैं ठीक है टू क्या है टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली फाइव हंड्रेड टाइम्स एंड वी गेट दो कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली एक साथ टू हेड्स uh, दो बार हेड आया हंड्रेड एंड फाइव वन हेड आया टू सेवेंटी फाइव एंड नो हेड आया वन ट्वेंटी इसमें टेल का जिक्र नहीं है आप क्योंकि हेड आ सकता है या टेल ही आ सकता है तो इसमें दो बार आपका हेड आया वन हंड्रेड फाइव एक बार हेड आया टू सेवेंटी फ़ाइव नो हेड मतलब एक भी बार हेड नहीं आया मतलब वो टेल ही आते गए तो वन ट्वेंटी टाइम्स है फॉर्मूले में पुट करना है आपको लेट अस डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड वन हेड एंड नो हेड बाई ई नंबर्स ऑफ हेड नंबर्स ऑफ टू हेड लिखोगे अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल तो आपका टू हेड कितना है हंड्रेड एंड फाइव अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल तो ये आपका आंसर आया सेकेंड है आपका वन हेड कितने बार आया टू सेवेंटी फाइव नंबर टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल ठीक है number, number तो ये सारी चीज़ें तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है फिर सबको आपको इसमें प्लस करके लिख देंगे तो जो है आपका वन ट्रायल में आ गया पॉसिबल क्या जो उसका आउटकम्स था वो आपको दिख गया सो आई होप क्लियर हो गया होगा और कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क मी ओके थैंक यू सो मच